फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस ट्यूटोरियल में। इस ट्यूटोरियल में आप लोगों को बताऊंगा आईक्लोन 7 के अंदर कैसे आप लोग एक रोड क्रिएट कर सकते हैं, और टूटा मोटा जो वॉल होता है, ब्रिक का वॉल होता है, जो आप लोग जो कार्टून वीडियो था उस कार्टून वीडियो में जो बाउंड्री था उस बाउंड्री में देखा था, अब टूटा मोटा वॉल होता है उसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो बहुत ही इजी तरीके से आप बना सकते हैं। तो आप लोग कैसे बनाओगे, तो चलिए आपको दिखा देता हूँ। तो लोग इस प्रॉप पे आइए, प्रॉप पे आने के बाद यहाँ पे जो नीचे आइए, नीचे की तरफ आइए, नीचे की तरफ आने के बाद इस ऑप्शन है, इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद एक जमीन लीजिए, जो मैंने नेक्स्ट वीडियो में जो वीडियो दिखाया था उस वीडियो में आप लोगों को दिखाया है। तो इस वीडियो में वही मैं ग्राउंड ले लेता हूँ। ग्राउंड लेने के बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे आप लोग एक रोड क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक रोड क्रिएट करके दिखाऊंगा आप लोगों को। तो यहाँ पे एक क्या, तो आप लोगों को दिखा देता हूँ रोड कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए एक मैं 3D ब्लॉक पे क्लिक करता हूँ। 3D ब्लॉक में क्लिक करने के बाद मैं एक ये जो बॉक्स है इस बॉक्स को मैं अभी ले लेता हूँ। इस बॉक्स को लेने के बाद मैं इसको स्केल करके छोटा पतला जैसा कर दूंगा। उसके बाद मैं इसको बड़ा करके रोड क्रिएट करके दिखाऊंगा। तो मैं इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूँ, क्योंकि ये जो बॉक्स है बॉक्स, हाँ ठीक है, अभी थोड़ा सा इधर है, थोड़ा सा बस अभी ठीक है। तो मैं इसको स्केल कर लेता हूँ। स्केल करने के बाद देखिए मैं किस तरह इसको स्केल करता हूँ। तो मैं इसको इसको अभी बड़ा कर देता हूँ इसकी तरफ, थोड़ा इसको और भी बड़ा करता हूँ। तो देखिए आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको देख सकते हैं। तो इसको जो कलर है इसको मैं कलर दे देता हूँ इस रोड पे। तो आप हर वीडियो में देखा ही होगा इस तरफ इस ऐसा ही रोड होता है। जितना ही वीडियो है उस वीडियो में आप अच्छा से फॉलो करो, इस ऐसा ही रोड होता है उस वीडियो में। तो देखिए मैं इसको और भी पतला जैसे कर देता हूँ। तो हो गया, पतला हो गया। तो इसको मैं अभी कलर दे दूंगा। कलर देने के लिए इस जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन मीडिया वाला ऑप्शन है, इस पे आइए। इस पे आने के बाद जो टेक्सचर है इस पे दीजिए। इस पे क्लिक करने के बाद ये जो कलर है इस कलर को यहाँ पे लेके आप छोड़ दोगे तो कलर चेंज हो जाएगा इसका। तो आप लोग देख सकते हैं इस रोड का कलर चेंज हो गया है। अब जो भी कलर आपका मर्जी है यहाँ पे लेके आप छोड़ सकते हैं। ये जो वुड है, ये जो वुड का भी कलर दे सकते हैं, स्टोन का भी कलर दे सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं स्टोन का कलर हो जाएगा इस पे। तो देखिए एक रोड हो गया है। इस पे आप टेक्सचर भी लगा सकते हैं, जो क्या कहता हूँ, और जो ब्रिक का जो टूटा मोटा वॉल होता है उसको कैसे आप सेट करोगे। तो उसको सेट करने के लिए वॉल पे आइए। सॉरी, वॉल पे आने के बाद आप जो भी वॉल चाहते हैं वहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे ढूंढ सकते हैं जो भी आपका पसंद है। आप देख सकते हैं इसमें सब कुछ है। तो फिर सब लोग देख सकते हैं इसका जो कलर है, इस कलर को यहाँ पे छोड़ देंगे तो चेंज हो जाएगा। तो आप हर वीडियो में अच्छा से फॉलो करो, इसको देखो इसका जो रोड का जो कलर है कैसा है। तो यहाँ पे छोड़ने के बाद ये चेंज हो जाएगा, यहाँ पे इसको छोड़ दो ये चेंज हो जाएगा, इसकी जैसे कलर हो जाएगा। तो आप लोग अच्छा से देखो इस ब्रिक जैसे कलर हो गया। तो मैं अभी इसको न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दिखाता हूँ। जो ब्रिक्स वाला वॉल है जो आप लोग दीवार में लगाते हैं उसको, मैं इसको न्यू जो ऑब्जेक्ट है, न्यू जो प्रोजेक्ट है उसको ले आता हूँ। उसको ले आने के बाद इसको यहाँ पे छोड़ दूंगा। तो ये देखिए टूटा मोटा हो गया, एक वॉल जैसा हो गया है। तो आप
फिर से इसको अच्छा से एक एक करके देख सकते हैं। देखिए इसमें भी देख सकते हैं आप लोग, जरूर देखिए एक एक करके चेक करके देखिए, आपका जो मर्जी है, आपका जो अच्छा लगेगा वो आप लोग जरूर दीजिए, क्योंकि आप लोगों का मर्जी है, आप स्टोन वाला भी दे सकते हैं। तो इस वीडियो में इतने ही तक, फिर से नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा। और आप लोग वॉल देख सकते हैं, ये टूटा मोटा आप लोगों को बताया था, ये देखिए जो कलरिंग का टूटा मोटा होता है वो देख सकते हैं। फिर से इसको चेक कीजिए, इसको चेक करने के बाद देखिए और भी टूटा मोटा, जैसा बहुत पुराना मकान था, इस पुराना मकान का जो ब्रिक होता है, ईंट होता है, उसको देखिए। तो बस इतना ही तक इस वीडियो में, फिर से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगा, अभी चलते हैं।